ये देखें भाई, अभी स्टीयरिंग कर रहे हैं। देखें भाई, इसमें देसी घी डाल रहे हैं और ये अब इसको मिक्स करेंगे। दबा देंगे अंदर। हाँ, इसको छुपा देंगे अंदर से ही। देखा, अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं मौजूद हूँ अजमेरी दिलबहार लस्सी हाउस पे। और ये लस्सी हाउस काफ़ी पुराना है, 1960 में कायम हुआ था। और आज यहाँ पे हम ट्राई करने आए इनकी जो अहम रेसिपी है, गाजर का हलवा, जो सर्दियों में इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ के लोग उसके दिलदादा हैं और उसको आज हम उसकी रेसिपी को एक्सप्लोर करने आए। आज हम उसकी कम्प्लीट रेसिपी आपको दिखाएंगे और उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। आ जाए मेरे साथ। गाजरें हैं और इनको ऊपर से इनको छीला जा रहा है, पीलिंग की जा रही है। आप देखें, ये देखा, पीलिंग करने के बाद इनकी श्रेडिंग की जाएगी। ये देखें कितनी बड़ी गाजरें, और इनको अच्छे तरीके से धोया जाएगा। धोने के बाद इनकी श्रेडिंग की जाएगी। अब ये देखें, इस तरफ जो है ना भाई, श्रेडिंग कर रहे हैं। ये देखा कितनी बड़ी गाजर है, बहुत स्पीडी काम कर रहे हैं यहाँ पे भाई। ये पहला स्टेप है, ये पहला यूनिट ऑपरेशन है। इसके बाद जो है ना, इनको बॉयल किया, इनको धोया जाएगा। चार दफ़ा इसको धोएंगे, चार दफ़ा धोने के बाद इसको बॉयल किया जाएगा। ठीक है, आपको बॉयलिंग का बताएंगे, फिर सेकंड ऑपरेशन जो है उसका बताऊंगा, फिर आगे चलेंगे आप। अच्छा, ये देखें इनिशियल स्टेप जो होता है ना, इसको बॉयल करने का होता है। इनको ये देखें, बड़ी कढ़ाई में बॉयल की जा रही है ये बारीक। ठीक है, जब ये नरम हो जाएंगे फिर इनको भुना जाएगा। बॉयल हो रही है, आप ये देखें, इसको बंद करेंगे। सही है, एक है। ये देखें, दूध में चीनी डाली जा रही है और आप देखें, दूध को बॉयल दिया जा रहा है। सही है, ये भाई जो है ना, ये ऐड कर रहे हैं, चीनी को ऐड किया जा रहा है। दूध और चीनी जो है ना उबल रही है, और इसके उबलने के बाद इसको इसमें गाजरों को शामिल किया जाएगा। और गाजरें उस वक्त तक उबलती रहेंगी दूध में जब तक कि दूध मुकम्मल तौर पर खुशक ना हो जाए। ये कितनी होगी, क्वांटिटी कितनी है? 35 किलो। ये इस वक्त 35 किलो इन्होंने डाले हुए हैं, 35 किलो गाजरें। सही है। अच्छा, इसमें इनने इलायची भी डाली है इसी में, ताकि इलायची का जो है ना वो उसका टेस्ट डेवलप हो जाए। ये देखिए, ये 35 किलो जो है ना गाजरे हैं, और उसमें वो दूध में उबल रही हैं इस वक्त। ये देखें आप, और ये आज हम कंप्लीट आपको इसकी रेसिपी दिखा रहे हैं। और ये ऑथेंटिक रेसिपी है जो आज तक किसी ने नहीं एक्सप्लोर की, और आज हम इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और ये देखें बाप, दूध जो है ना वो एवोपरेट हो रहा है। इससे ये होगा कि एक तो दूध एवोपरेट भी हो रहा है, और दूध का जो असल वो है ना, वो गाजरें जो है ना, श्रेडेड गाजरें, वो अपने अंदर जज़ब कर लेंगी उसकी न्यूट्रिशन, उसकी गजाइत जो है, और उसकी वजह से टेस्ट डेवलप हो जाएगा। देखें, अभी जो है ना ज़ाफ़रान डाला जा रहा है। ज़ाफ़रान बेसिकली ये स्पाइस है, और ये ऑरेंज डाई है बेसिकली। आप देखें, प्योर ज़ाफ़रान है, प्योर ज़ाफ़रान है भाई। आप देखें, ये कलर के लिए ऐड किया जा रहा है, मेन इन्ग्रीडियंट यही है जो बेसिकली केसर देते हैं। हाँ बिल्कुल, इंडिया में केसर बोलते हैं, और यहाँ पे सैफरान बोलते हैं, ज़ाफ़रान। ठीक है, ज़ाफ़रान बेसिकली एक्सपेंसिव स्पाइस है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, और ये जो है ना कलर देता है। और गाजर के हलवे में ये यही मेन चीज़ होती है, ऐसे ही है ना। यस, ये और उसके बाद खोया मावा, ऐसे ही है। और इनकी स्पेशलिटीज़ यही है कि इनके पास अपना खोया होता है, अपना मावा होता है, और ये खुद तैयार करते हैं मावा। ठीक है, ये देखें भाई, अभी स्टीयरिंग कर रहे हैं ताकि जो है ना नीचे ना लगे। सही है,
हाँ हाँ ऐसा 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 हो रहा है, ऐसा ऐसा कलर जो है ना वो डिवेलप हो रहा है ज़ाफ़रान की वजह से। सही है, अभी देखें ना इसको स्टीयरिंग बाई कर रहे हैं। देखें भाई इसमें देसी घी डाल रहे हैं, और ये देसी घी आपका अपना यहाँ का बनाया हुआ है? अच्छा, ये पंजाब से आता है। सही है, ये देखें ये इसमें देसी घी डाला जा रहा है अभी। अब ये देखें भाई, भाई जो है ना देसी घी डाल रहे हैं। वाह वाह, देसी घी का जो खुशबू है ना कमाल है। आप ये देखें, आप ये देखें क्या कमाल कमाल तरीके से भुनी जा रही है। ये इसको चम्मच से हिला रहे हैं ताकि नीचे भी ना लगे, देखा मिक्स कर रहे हैं। आप देखें पहले कलर में और इस कलर में कितना डिफरेंस आ गया है, और ज़ाफ़रान की वजह से जो है ना कलर नमाया हो गया इसका माशाल्लाह। ये देखें और कितना अट्रैक्टिव है, और जब देसी घी डाला ना देसी घी की वजह से और ज़्यादा कलर जो है ना नमाया हो गया है। आप देखें ये क्या कमाल, और जो इलायची की जो खुशबू है ना बीनी बीनी खुशबू आ रही है यहाँ पे। मैं इसके क्योंकि इसके साथ खड़ा हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग अथेंटिक फील आ रही है। ये भैया खोया डाल रहे हैं, मावा। अब ये देखें मावा डाल रहे हैं, ये इनका अपना मावा है फ्रेश जो इधर ही प्रिपेयर करते हैं। और मावा बेसिक गाजर का जो हलवा होता है ना उसमें मावा ही बेसिक चीज़ होती है जो उसको टेस्ट प्रोवाइड करती है, अथेंटिक उसका टेक्सचर प्रोवाइड करती है। ये इन्होंने मावा डाल दिया, अब इसको मिक्स करेंगे, दबा देंगे अंदर। हाँ इसको छुपा देंगे अंदर। सही, देखा ये जो इनकी जो जो गुठलियाँ बनी हुई हैं ना डेरियाँ, इसको तोड़ेंगे अब चम्मच से। आप देखें चले भाई, मावे को इसके अंदर छुपा दिया, ठीक है। ये देखें भाई ये भुना जा रहा था, उसके बाद ये आखिरी स्टेज है, खोए को मिक्स किया जा रहा है। आप देखें बीनी बीनी खुशबू आ रही है माशाल्लाह खोए की और देसी घी की, कितना ज़्यादा अपीलिंग है। अभी तो मिक्स कर रहे हैं इसको अंकल, ये आखिरी है ना बस, हैं अभी वो बाकी है बोला। सही है, सही है। इसके बाद उसको मिक्स करेंगे इसमें, वो भी भाई पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। खोए और चीनी को मिक्स कर रहे हैं और उसको इसके में शामिल किया जाएगा। अब देखें वाह, ये हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा रहे हैं, आपको कंप्लीट रेसिपी दिखा रहे हैं। आप देखें
अब जब तक खोया मिक्स नहीं होगा ना उस वक्त तक आपको टेक्सचर इसका जो ऑथेंटिक टेक्सचर होता है ना वो उस वक्त तक आपको फील नहीं होगा। ठीक है, यही। और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, गाजरों को छीलने से लेकर उनको बॉयल करने से, उसके बाद बोनने की स्टेज आती है, फिर खोए को शामिल करना, ये काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस होता है। लेकिन फिर भी हमने आपको कोशिश की कि हम आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाएं। अब ये देखें, बड़े देग में डाला जा रहा है इसको। मस्जिद को एक देग में रखने के बाद जो है ना दूसरी तरफ अलग देग अलग कढ़ाई में जो है एक आमेजा तैयार किया जा रहा है, जिस आमेजे में देसी घी को डाला जा रहा है, अंडू को डाला जा रहा है और उसके साथ मावा भी है, मावा, चीनी, और ये चार जो है ना चीज़ें इनको मिक्सअप किया जाएगा और इसके बाद इनको खूब पकाया जाएगा। खाने के बाद जो हलवे का आमेजा है उसको इसमें मिक्स कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए इसमें ये प्रोसेसिंग जारी है इस वक्त। देसी घी अभी डाला है भाई ने और काफ़ी ज़्यादा इसकी हिला रहे हैं, स्टीयरिंग कर रहे हैं। देखें गाजर का हलवा जो तैयार किया हुआ था उसको इसमें डाल रहे हैं। ये देखें, ये आखिरी है ना, आखिरी पॉइंट है ना, बस ये आखिरी है, इसमें मिक्सिंग कर रहे हैं और ये आखिरी ऑपरेशन है और इसके बाद जो है ना हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। देखें मिक्स कर रहे हैं, और
ऐसे ही। और उस तरफ हलवा, हलवे का नया बैच स्टार्ट कर दिया इन्होंने, गाजर का हलवा नया बैच स्टार्ट कर दिया। और इस तरफ ये जो पहला बैच हमने, जिसकी आपको रेसिपी कंप्लीट बताई है, ये पहला बैच प्रिपेयर हो गया। ये देखें इसको सजा रहे हैं, साइड में ये बादाम लगाया है, और ये ऊपर रबड़ी खोया। ये खोया डाल रहे हैं, सही है खोया मावा। अब जो खोया की ना, इसकी लेयरिंग ऊपर लेयर कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, ठीक है। लो भाई, ये था गाजर का हलवा जो फाइनल इस थाल में आ गया, और ये अब रेडी है, रेडी टू सर्व, रेडी टू सेल, ठीक है। ये देखो ऊपर बादाम डाला जा रहा है, गार्निशिंग की जा रही है इसकी, ताकि इसकी अपीलिंग लुक हो सके, सही है। बादाम, पिस्ता, ये देखें, ये ले। ये देखो भाई आ गया हलवा, देसी घी ज़ाफ़रान से तैयार करता स्पेशल गाजर का हलवा। ये अभी एडजस्ट कर रहे हैं। ये आ गया हमारे पास बोल गाजर का हलवा, जो फेमस है यहाँ पे, इस पूरे मलिर में आपको इस जैसा कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास सारी अपनी हो अपनी चीज़ें होती है, खोया ये अपना खुद बनाते हैं, और स्पेशल रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं जो लास्ट जो है ना, इसका रिव्यू करूँगा, लेट्स टेस्ट। बाहर आप इसकी अपीलिंग टेक्सचर देखें ना, अभी तो गार्निशिंग नहीं की हुई, नट्स नहीं डाले हुए, लेकिन उसके बावजूद ये कितना अपीलिंग लग रहा है, और माशाल्लाह खुशबू भी जो है ना, बड़ी मज़े की पीली पीली खुशबू आ रही है। नो डाउट, देसी घी, खोया, साथ गाजर, बेस्ट कॉम्बिनेशन, नो डाउट, ग्रेट। और आपको मैं एक और चीज बताऊं कि यहाँ पे जो अजमेरी पॉइंट है ना, अजमेरी लस्सी हाउस, इसका जो गाजर का हलवा है ना, ये मुख्तलिफ पकवान सेंटर पे भी ज्यादा है, और मलिर में काफी ज्यादा फेमस है, और आप जरूर यहाँ का विजिट करें, और हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि मैंने इसकी आपको प्रोसेसिंग दिखाई है, रेसिपी दिखाई है, कैसे इसको बनाया जाता है, काफ़ी एक्टिव काम है, तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं लगातार गाजर को छीलना, उसके बाद उसको बॉयल करना, एंड देन पूरा कंप्लीट प्रोसेस वो मैंने आपको दिखाया, और लास्ट ईयर मैं रिव्यू कर रहा हूँ। लास्ट, आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट YouTube को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।